जी भी। और ये देखें बहुत ही ऊंची जगह है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आए। ये सारा बार्सिलोना का एरिया है। हम लोग ये यहाँ पे एक बार्सिलोना से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है। यहाँ पे एक पहाड़ है, उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी जगह बनी हुई है, ऊपर होटल्स भी हैं बड़े प्यारे, और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं सैर व तफरी के लिए। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी ऊंची जगह है यहाँ पे। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे हम पैदल आगे सफ़र है ये पहाड़ के ऊपर, ये आप देख रहे होंगे, इस पहाड़ के ऊपर जाना है। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा व्यू है। अच्छा, यहाँ पर आने के लिए आपको तकरीबन बार्सिलोना से 40 से 45 मिनट लगते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्किंग है, पार्किंग का कोई रोला या मसला वगैरह नहीं है। तो मेरे ख्याल में 7 यूरो देने पड़ते हैं, 6.5 यूरोस देने पड़ते हैं, और पूरे दिन की जो पार्किंग है वो फ्री है। पार्किंग की यहाँ पर कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी ला सकते हैं, टैक्सी भी आ सकते हैं, ट्रेन भी आती है उस पर भी आ सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, काफ़ी प्यारा व्यू है, और ये जो है ये ऊंचाई है, और ये नीचे व्यू देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। सारा नीचे बार्सिलोना के व्यू है। और ये देखें, ये एक छोटा सा दरिया भी यहाँ पे आ रहा है, 7 रोड और 7 दरिया भी आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ से यहाँ पे आते हैं लोग घूमने फिरने के लिए। एक्चुअली ये पहाड़ के ऊपर जगह बनी हुई है, इस वजह से जो है ना यहाँ पर ठंडक भी है, सर्दी भी है, और व्यू भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर छोटे छोटे ये इन्होंने थोड़े से हाल वगैरह बनाए हुए हैं लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। ये नीचे यहाँ पे मेट्रो भी जाती है, ये देखिए आपको नज़र आ रही हुई, यहाँ से बैठते हैं, ये ऊपर जा रही है मेट्रो, ये आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ मेट्रो जाती है। और ये आप होटल हैं, होटल से आगे भी आप जा सकते हैं ऊपर भी। ये बड़ी प्यारी जगह है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर विज़िट करें। Mira, ya va el tren, amor. Amor, amor. ये ट्रेन आ रही है, देख ये। अच्छा, ये यहाँ पे ना होटल हैं, काफ़ी पुरानी जगह है यहाँ पे, ये होटल हैं, आप यहाँ पे रात को स्टे भी कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं इन पहाड़ के ऊपर, तो वो भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, तो इस रास्ते से आप जा सकते हैं। बहुत प्यारी जगह है, बड़ी ठंडी जगह है। नीचे बार्सिलोना में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ठंडक है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देखिए, आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है,
120 150 साल पहले की ये बनी हुई है बिल्डिंग। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही प्यारी जगह, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगे हैं, हनी वगैरह, पनीर वगैरह ये यहाँ पे बेच रहे हैं लोग। Hola. Aún así me perdí. सलाम। ये देखें, शायद जो है ये यहाँ पे 14 यूरो का दे रहे हैं, लेकिन नेचुरल है ये देखें, ज़बरदस्त। ये काफ़ी जो आर्ट में यहाँ पे लोग ये दो दो यूरो की ये बना रहे हैं, बेच रहे हैं। ये मुख्तलिफ रोमानी, ये मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के जो हैं वो शायद पड़े हुए, जो आप लेना चाहें। ये इनके कौन सी हम इसे अंजीर हाँ सही। ये काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह इनकी पड़ी हुई हैं, देखिए इनके खाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये पनीर है इनका यहाँ पे अपना, आप यहाँ से ले सकते हैं और बैंक के ज़रिए से आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से। और ये पनीर है इनका, ये देखें ज़बरदस्त इनका पनीर है। ये यहाँ पे बिल्कुल हम इस पहाड़ के नीचे खड़े हैं, ये देखें ये देखें, यहाँ पे होटल भी बने हुए हैं काफी ज्यादा।